नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नर्सिंग छात्रावास की खस्ता हालत को लेकर नर्सिंग छात्राओं ने दिया धरना। अमृत योजना के तहत बिछाए सीवरेज के ढक्कनों को नई गलियों ने किया बंद। लोगों को सता रहा है बरसात के मौसम में पानी खड़ा होने का भय। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया बैठक का आयोजन। पुलिस ने चलाया नाइट डेमोनेशन अभियान, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग। भिवानी के गांव तिगड़ाना में पुरातत्व विभाग की ओर से की जा रही खुदाई से कई ऐतिहासिक तथ्यों की सच्चाई उजागर होने की है उम्मीद। उम्र की सीमा को पछाड़ अध्यापिका मंजू शास्त्री ने जीते 2 सिल्वर मेडल। गोभी की फसल को लेकर किसान हुए चिंतित, मांगा सरकार से समर्थन मूल्य। और अब खबरें विस्तार से। नर्सिंग छात्रावास की खराब हालत के चलते नाराज नर्सिंग छात्राएं भी आखिर प्रदर्शन की राह पर उतर आई। बार बार शिकायत देने के बाद भी छात्रावास की हालत ना सुधरने के विरोध में ये छात्राएं गुरुवार को अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गई और अपनी समस्या के समाधान की मांग की। वीरवार को पिछले 20 सालों से नासाज नर्सिंग छात्रावास को लेकर नर्सिंग छात्राओं द्वारा सामान्य अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि पिछले काफी समय से नर्सिंग छात्रावास की खस्ता हालत की शिकायत देने के बावजूद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। नर्सिंग छात्रावास की हालत दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है, जिससे यहाँ प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं की जान पर भी जोखिम बना रहता है। वहीं जब इस बारे में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी मंजू कादियान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भवन मुरम्मत के लायक है या नहीं इस बात का लोक निर्माण विभाग द्वारा अवलोकन कर ही पता चलेगा तथा इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि वैकल्पिक तौर पर छात्रावास को ऐसी जगह स्थानांतरित करा दिया जाएगा जहाँ छात्राएं अपनी पढ़ाई ढंग से व आराम से कर सके। मेरा नाम प्रीति है, मैं एएनएम सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। हम एएनएम जीएनएम दोनों बैच यहाँ पे, 3-5 बैच है यहाँ पे। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बिल्डिंग की जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और उसका जो छत का मलबा है वो लगातार 5 दिन से गिर रहा है, जिसमें 2 छात्राएं घायल हो चुकी हैं। और हमने कल इसमें हमारे एनएनडीसी के पास लिखित में भी अवगत करा चुके हैं और मौखिक में भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है, जिससे सभी छात्राएं गुस्से में है और स्ट्राइक पे उतर चुकी हैं। ताकि तुम्हारे लिए कुछ करवा देंगे, तुम्हारे पीएमओ सर को बुलाएंगे, सीएमओ सर को बुलाएंगे, प्रिंसिपल मैम को बुलाएंगे, लेकिन हमारे प्रिंसिपल मैम को फोन नहीं किया, नहीं पीएमओ सर को किया, नहीं सीएमओ सर को किया। हमसे झूठ बोल के वहाँ से हमें भगाया गया था, हमारा अब तक कुछ नहीं किया गया। ये जो लड़कियों का आंदोलन है जीएनएम एएनएम का, इसमें ये कहना चाहता हूँ, जब तक इन लड़कियों को न्याय नहीं मिलता, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इन लड़कियों के समर्थन में इनकी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के इनकी आवाज़ को बुलंद करेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनके आंदोलन को कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं जो जीएनएम में एएनएम के ट्रेनिंग कर रही हैं, उनका जो हॉस्टल वो इतना मतलब हो गया कि लगातार गिरने लग रहे हैं। अच्छा है कि दो तो वो मतलब घायल भी होगी लड़कियाँ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी हर बार पेमेंट आई है, मरम्मत के लिए भी, सफेदी के लिए भी, वो कहाँ गई उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए जब तक ये हॉस्टल बढ़िया नहीं, कोई और बिल्डिंग है सरकार किराए पर, विभाग किराए पर लेकर के इनको रहने का प्रबंध करे। कहीं पीने के पानी की समस्या तो कहीं सीवरेज की, कहीं टूटी सड़कें तो कहीं गली बनाने में खराब सामग्री इस्तेमाल की समस्या। आए दिन ऐसी कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है। ऐसी ही एक खबर सामने आई वार्ड नंबर 30 पार्क कॉलोनी की, जहां गली की सड़क बंद तो रही है लेकिन क्षेत्रवासियों ने इस निर्माण कार्य में खराब सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की है।
भिवानी के वार्ड नंबर 30 के पार्क कॉलोनी निवासी उनके घरों के बाहर बन रही गली में लगने वाली खराब गुणवत्ता की सामग्री को लेकर इन दिनों परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने विभाग के जूनियर इंजीनियर को भी शिकायत दी है तथा मांग की है कि बेहतर गुणवत्ता की सामग्री गली निर्माण में प्रयोग की जाए। वहीं पार्क कॉलोनी निवासियों का कहना है कि यदि सही लेवल से गली का निर्माण नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन गली निर्माण रोकना पड़ेगा। इसलिए उनके विभाग से मांग है कि गली के लेवल व सामग्री की गुणवत्ता को बनाने का काम करें। वहीं इस बारे में पार्षद बलवान ने बताया कि गली निर्माण के बाद काफी नीचे चली गई सीवरेज की पाइप के कारण बरसात के मौसम में घरों के बाहर पानी खड़ा होने का अंदेशा हो गया है। इसके लिए उनकी सरकार से अपील है कि गली निर्माण के संबंध में इनका समाधान निकाले ताकि भविष्य में पार्क कॉलोनी निवासियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। पार्क कॉलोनी है, वार्ड नंबर 30 में पड़ती है, ये गली बनने लग रही है। इसकी एक तो गुणवत्ता के लिए हमने अभी जेई को बुलाया था, ये चेक करवाने के लिए। ईंट गिल्ली लगी हुई है सारी, और एक ये जो अमृत योजना के तहत जो बारिश का पानी निकालने के लिए जो सीवर लाइन डाली गई है, एक ये ऊंची नीची है, ये जितनी जालियां लगाई है सारी बंद हो जाएंगी बिना 20 दिन में। इनमें रेत बड़बड़ की इसकी सफाई करानी पड़ेगी, अभी ये चालू नहीं हुई है, और इसकी वजह से ना लेवल है, पानी हमारा घर का आगे खड़ा रहेगा। फिलहाल तो अभी खड़ा ही होता है, ये गली पाड़ रखी थी, मखा ये गली बन जाएगी उस टाइम देख लेंगे लेवल, लेकिन लेवल इन्होंने ऊंचा उठा दिया हमारी गली से, तो हमारी गली में ही रहेगा पानी, तो हमारे घरों के आगे ही निकलेगा कैसे। अभी एक बार देखेंगे सरकार से, भाई जेई साहब बुलाए थे उनको, अगर इसका कोई समाधान निकलता है तो, नहीं तो ये गली पड़वानी पड़ेगी दोबारा। समाधान क्या होगा, हमारे घर का पानी थोड़ा रखें देंगे हम। अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया। हसला के तत्वाधान में आयोजित इस बैठक में उपस्थित लोगों ने अपनी मांगों पर चर्चा की और एक ज्ञापन शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को देने का निर्णय लिया। वीरवार को सेठ किरोड़ी मल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हसला के तत्वाधान में हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं असला के राज्य प्रधान दयानंद दयाल ने अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं व मूल्यांकन के सभी मानदेय सीबीएसई बोर्ड के समकक्ष हो, लेक्चरर की परीक्षा में ड्यूटी सीनियरिटी के हिसाब से लगनी चाहिए आदि विभिन्न मांगों को लेकर आज जिले भर के स्कूल लेक्चरर इकट्ठे हुए और सभी की सहमति से एक ज्ञापन शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को देने की बात भी कही। आज हमारी मीटिंग बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन में आने वाली समस्याओं को लेकर, जो 3 बजे चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होनी है, तो उससे पहले हमने यहाँ इनके ऊपर विस्तार से चर्चा के लिए यहाँ सेठ करोड़ी मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चर्चा कर रहे हैं उस पर, ताकि बोर्ड की परीक्षाएं और मूल्यांकन कार्य सुचारू रूप से हो सके, कोई दिक्कत ना आए। सर 10वीं 12वीं की परीक्षा होने, बोर्ड से किस प्रकार की आप चाहते हो टीचरों की किस प्रकार की ड्यूटी लगानी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि एक तो उसमें ड्यूटी लगाते समय सीनियरिटी का ख्याल रखा जाए, बोर्ड जो है उस बात की पालना नहीं करता। पीछे हमारे बार मीटिंग में ये उठाते आए हैं बात कि जो सबसे वरिष्ठ हैं प्राध्यापक उनकी फ्लाइंग स्क्वाड में आनी चाहिए, उससे कनिष्ठ की ऑब्जर्वर में, और उससे कनिष्ठ जो है उनकी सेंटर सुप्रिटेंडेंट, और उससे जो जूनियर हैं उनकी सुपरवाइजरी स्टाफ में। जिले में हो रही चोरी की वारदातों के चलते शहर भर में नाइट डेमोनेशन अभियान चलाया गया। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार शहर के बाहरी क्षेत्रों में नाके लगाकर सभी वाहनों की चेकिंग की गई। पिछले काफी दिनों से शहर भर में हो रही चोरी व लूट की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के आदेश पर शहर के बाहरी क्षेत्र में नाका लगाकर पुलिस द्वारा रात के समय शहर में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इसी कड़ी में सदर थाना के अंतर्गत आने वाली गुजरानी पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारियों ने रात के समय नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की। वहीं चौकी इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वे कोई भी संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि शहर में होने वाली अनहोनी घटना से बचा जा सके। अब सुरन वाला के आदेश अनुसार व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं और कोई भी सस्पेक्टेड व्हीकल होता है उसको अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। कोई भी अगर इस प्रकार की बात होती है उसको एमवी एक्ट के तहत चलान करते हैं। क्या स्पेशल अभियान चलाया गया? हाँ, ये ऊपर उच्च अधिकारियों की तरफ से ही आता है स्पेशल, ये मतलब आते जाते लोगों को पता लगता है कि क्रिमिनल भी अच्छी फिरते हैं जी, चेकिंग दौरान ही फड़े जाते हैं, तो आम लोगों लिए बढ़िया जी चेकिंग है, जो अभी हम जो कुछ भी चेकिंग कराने सही है जी, जे अभी मतलब गलत होवेंगे तो इतने फड़े जाएंगे।
आप सही मानते हैं इसको? हाँ जी, हाँ। जिले के गांव तिगड़ाना में पुरातत्व विभाग की तरफ से की जा रही खुदाई से कई ऐतिहासिक तथ्यों की सच्चाई उजागर होने की उम्मीद जताई गई है। इस कार्य में 4 प्रोफेसर सहित 25 शोध छात्रों की टीम लगी है। भिवानी में सभ्यता के अवशेष मिलना इतिहास की खोज में कारगर साबित होंगे। इससे पहले जो निरीक्षण किया गया था उसमें उन्हें मन के जैसे आभूषण मिले थे, जिसे अनुमान है कि यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग हो सकता है। उनका कहना है कि 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग घरेलू कार्यों के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जबकि कृषि में पत्थर और तांबे की वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। पुरातत्व विभाग के शोधार्थी उन कारणों को भी ढूंढ रहे हैं जिनकी वजह से हड़प्पा कालीन सभ्यता में तब्दील होकर रह गई। वहीं तिगड़ाना और आसपास के ग्रामीणों ने भी इससे जुड़े कई राज खोले। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में तो टीले पर सफेद रंग के मनके व नुकीले पत्थर भी जमीन से बाहर निकलकर दिखाई देने लगते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम ने पूरे इलाके में अपने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। ये हमारा जो अभी तक प्रोजेक्ट है, हम टेंटेटिव टाइम लेके चल रहे हैं। 15 अप्रैल तक हम यहाँ पे काम करने, तो अगले 2 महीने तक हम यहाँ पे हैं काम। और यहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास से अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने भी अनुमति मांगी है, जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उनके स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपना बंसीलाल यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट आ रहे हैं, हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ऐसा कुल मिला के 4-5 हरियाणा की जो मेजर यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके बच्चों को हम यहाँ ट्रेनिंग भी देंगे। और एक पर्टिकुलर यहाँ ऐसा हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है, पर्टिकुलर गाँव के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम कुछ दूसरे गाँव में आके काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो फ़ोन करके यहाँ तक पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। आसपास का जो प्लेन क्षेत्र है, इससे ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये अब पहले तो बहुत बड़ा टीला था लेकिन अब ये 15 एकड़ के आसपास रह गया है। तो इसमें हमें जहाँ तक हम कोशिश करेंगे अवशेष मिल रहे हैं उनमें ट्रेंचेस लगा के ये दाई करें। पर अभी तक क्या अवशेष मिल पाए? अभी तक तो हमें टीले के ऊपर के सरफेस पे ही उत्खनन अभी शुरू किया उत्खनन, तो ज़्यादा कोई उपलब्धि नहीं है। अभी ट्रेंचेज लगाई है, सभी ट्रेंचेज में काम चल रहा है, तो थोड़े बहुत अवशेष लेट हड़प्पन के हमें मिल रहे हैं। कुछ दीवारों के अवशेष मिल रहे हैं जिनमें कच्ची ईंटें मिल रही हैं, लेकिन वो ईंटें छोटे टुकड़े लगे हुए मिले। नीचे जाएंगे हो सकता है कि हमें कंप्लीट डिक्स के दीवारें मिल जाएं, और दूसरे अवशेष जो उनके आभूषण वगैरह मिल सकते हैं, और उनका कैसा रहन सहन था, उनके कौन कौन से जानवरों को पालते थे, वो हड्डियाँ मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें जो मिलेंगी उनका अध्ययन करके हम बता पाएंगे कि यहाँ के लोग कैसा पहनावा पहनते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे। निवासी यहाँ खेड़े पर 4-5 स्टेट के पुरातत्व विभाग वाले आए हैं, पहले भी आए थे ये जांच पड़ताल करने के लिए। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर है कुछ न कुछ तो है। बरसात के दिनों में यहाँ पर नोकीले पत्थर उभर आते हैं, और ये कुछ न कुछ तो है यहाँ पर। आजकल की शिक्षिकाएं अपने संबंधित विषयों के साथ साथ खेलों में भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक शिक्षिका है राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास की संस्कृत अध्यापिका मंजू शास्त्री। मंजू ने हाल ही में पंचकुला में आयोजित ऑल इंडिया मास्टर्स चैंपियनशिप में दौड़ और लॉन्ग जंप में मेडल्स अपने नाम किए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास में कार्यरत संस्कृत की अध्यापिका मंजू शास्त्री ने ऑल इंडिया मास्टर चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में 2 सिल्वर मेडल जीते। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता पंचकुला में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों के लगभग 2800 खिलाड़ियों ने अपनी अपनी आयु वर्ग में खेल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा मेडल पहनाकर प्रोत्साहित भी किया गया है। इसी के साथ मेडल लाने पर अध्यापिका मंजू शास्त्री का स्कूल स्टाफ द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया गया। 7 फरवरी से 11 फरवरी तक ऑल इंडिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि हरियाणा के पंचकुला शहर में हुई थी, इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों के लगभग 2800 खिलाड़ियों ने अलग अलग आयु ग्रुप में भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की तरफ से मैंने 100 मीटर और लॉन्ग जंप में भाग लिया। 100 मीटर में सिल्वर मेडल और लॉन्ग जंप में
सिल्वर मेडल प्राप्त किया और ऑल ओवर चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी हरियाणा को मिली। और इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी खिलाड़ियों को मेडल वितरित करके उनका सम्मानित किया। और आज विद्यालय में पहुंचने पर पूरे स्टाफ ने मेरा बहुत स्वागत किया। मैं इसके लिए पूरे स्टाफ, विद्यालय परिवार और मेरे परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गोभी की फसल को समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग किसानों ने सरकार से की। किसानों का कहना था कि गोभी की फसल कीड़ों द्वारा खराब हो जाने के कारण मंडियों में उचित भाव पर नहीं जा रही है, जिसके कारण उन्होंने इस फसल के लिए समर्थन मूल्य की मांग की। वैसे तो सरकार ने किसानों के फायदे के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है, जैसे कि भावांतर योजनाएं, जिनमें टमाटर, अमरूद, माल्टा, संतरा शामिल किए हुए हैं। लेकिन किसानों द्वारा सरकार से गोभी की फसल को समर्थन मूल्य देने का अनुरोध किया गया है, ताकि कीड़े से खराब हुई गोभी की फसल को बचाया जा सके। वहीं जब किसानों से इस बारे में बात की गई तो किसान वेदपाल ने बताया कि गोभी की फसल की बुझाई करने पर पता चला कि गोभी को कीड़ों ने खराब कर दिया है। उनका कहना था कि कुछ तो कीड़ों ने गोभी को खराब किया और कुछ उन्हें मंडी में गोभी का उचित भाव भी नहीं मिल रहा। मंडियों में गोभी 10 से 15 रुपए किलो बिक रही है। इसी वजह से किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें गोभी का समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए। इस सरकार ने जो योजना चलाई है इसमें कुछ तो फायदा है, पर बाकी इतनी भरपाई नहीं हो रही जो जमींदार की, जो कि कोई आपातकालीन कोई पतझड़ आ जाए और कोई मौसम खराब हो जाए तो वो एक साल की फसल के लिए किन्नू में तो कुछ नहीं बचता। तो सरकार ने जो करे बहुत अच्छा करा। ऐसे अमरुद का अगर 6 महीने में कोई कीड़ा लग गया तो पूरी खेती खत्म हो जाती है। अगर वो कीड़ा नहीं लगे है, ठीक चल जाए तो भाव ठीक है सरकार के, बढ़िया है। काम तो जो सरकार है वो अच्छे कर रही है। बाकी जमींदार का जो काम हो भगवान के भरोसे भी है, उससे निपटने के लिए कोई ऐसी सुविधा हो, भाई बीमा योजना हो या और कोई योजना हो, ताकि उसको किसान को कुछ उसकी राहत मिले, ये भाव तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाभ है और लाभ भी है, अच्छा है, ये भी ठीक है। भी उस मंडी में बाट नहीं देखनी पड़ेगी, सबसे बढ़िया है भाव। तो मैं दिक्कत ये है, अगर वो एक 6 महीने के लिए फसल पीछे चली जाएगी तो जमींदार उसके ऊपर बैठा रहेगा, भूखा मरेगा फिर 6 महीने में। जी मैंने 4 एकड़ गोभी खेती की थी, करीब 6.5 लाख रुपये खर्चा हुआ है। पहले तो कीड़े की मार झेली, अब उसके बाद में हमें समर्थन मूल्य मिल रहा है। कृपा करके उचित समर्थन मूल्य दिवाया जाए, हम तो यही अनुरोध करेंगे सरकार से। पहले तो मौसम की मार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, ओला की मार झेली और ऊपर से उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तो सरकार से दरख्वास्त है कि कम से कम उचित मूल्य दिया जाए, नहीं तो किसान मरने का गार पर है। समझ ले तीसरे नंबर पे आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि यानी गवर्नमेंट हमें शुद्ध भाव नहीं दे रहा है और लागत इतनी लगी है जो समझ ले किसान मरने के कगार पे है। ये हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें उचित मूल्य दिया जाए। रात दिन रात में भी खगड़ रखाने पड़े हैं और पानी भी देना पड़े है, नड़ा भी करना पड़े है, खाद भी गिरनी पड़े, सारे सौदे करने पड़े, इस पर भी मारनी पड़े है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। नर्सिंग छात्रावास की खस्ता हालत को लेकर नर्सिंग छात्राओं ने दिया धरना। अमृत योजना के तहत बिछाए सीवरेज के ढक्कनों को नई गलियों ने किया बंद। लोगों को सता रहा है बरसात के मौसम में पानी खड़ा होने का भय। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया बैठक का आयोजन। पुलिस ने चलाया नाइट डेमोनेशन अभियान, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग। भिवानी के गांव तिगड़ाना में पुरातत्व विभाग की ओर से की जा रही खुदाई से कई ऐतिहासिक तथ्यों की सच्चाई उजागर होने की है उम्मीद। उम्र की सीमा को पछाड़ अध्यापिका मंजू शास्त्री ने जीते 2 सिल्वर मेडल। गोभी की फसल को लेकर किसान हुए चिंतित, मांगा सरकार से समर्थन मूल्य। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।